दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कई माउंटेनियर्स जैसे कामी रीता, तेंजिंग नॉर्गे और बचेंद्री पाल जैसे नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की हो? जी हाँ, वही कैलाश पर्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव का निवास स्थान है। कोई इसे छिपा हुआ पिरामिड बताता है तो कोई अर्थ और यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट। अब आप खुद ही सोचिए कि देश और दुनिया में लाखों माउंटेनियर्स हैं, लेकिन फिर भी अब तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया और इसे कोई भी जीत ना सका। वही दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन ने भी कभी कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की थी? जी हाँ, क्या था चीन का माउंट कैलाश पर वो मिशन और क्या रहा उसका अंजाम, जानेंगे मिलकर आज इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़ी मिस्ट्रीज आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इंसान की उत्सुकता का केंद्र बन रही हैं। ऐसे में चीन भी ये जानना चाहता था कि हिंदुस्तान के लोग आखिर भगवान शिव की भक्ति की वजह से ऐसा कहते हैं या फिर सच में इस पहाड़ में कोई बात है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 31 साल पहले, यानी बात है साल 1991 की। कहते हैं चीन के वैज्ञानिक ने जापान के एक वैज्ञानिक के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की योजना बनाई, जिसका तिब्बतियों ने खूब विरोध किया क्योंकि हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लोग भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। हालांकि इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ और वैज्ञानिकों की टीम निकल पड़ी इस पर्वत पर चढ़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे रास्ता बनाना मुश्किल होता जा रहा था। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर नीचे गिर रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद 17 वैज्ञानिकों की ये टीम आगे बढ़ती रही। लेकिन दोस्तों, कुदरत के आगे इनकी कितनी ही चलती और ये मिशन फेल हो गया। इस फेल्ड मिशन के बाद भी चीन प्लानिंग करता रहा कि आखिर माउंट कैलाश पर कैसे चढ़ा जाए। फिर आखिरकार उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने सोचा कि क्यों न सीधा हेलीकॉप्टर उतार कर देखा जाए कि इस पर्वत के ऊपर क्या है। और फिर साल 1996 में चीन के एक वैज्ञानिक ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और सीधा कैलाश पर लैंड करने की कोशिश करी। जैसे जैसे उनका हेलीकॉप्टर कैलाश की ऊंचाई को नाप रहा था, उन्हें शानदार नज़ारे दिख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो अब तो हम पहुंचने ही वाले हैं और अब हम दुनिया को जाकर ये बताएंगे कि हमने कैलाश को फतेह कर लिया है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक से मौसम बदला और बर्फबारी होने लगी। उनका हेलीकॉप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके हेलीकॉप्टर का इंजन पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। इसके बाद भी चीनी वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे थे, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही थी इसलिए ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था। तभी जैसे ही वो कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, उन्हें दिशाएं पहचानने में दिक्कत आने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पायलट ने हेलीकॉप्टर पर अपना कंट्रोल ही खो दिया और हेलीकॉप्टर का फ्यूल सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम ही बंद हो गया। और इस सब में उसमें बैठे लोगों की हालत खराब होने लगी। किसी तरह हेलीकॉप्टर को पायलट ने संभाला और पूरी टीम को सुरक्षित बेस पर पहुंचाया। इस पूरी घटना के बाद तो वो यहां पर जाने के विचार से भी कांप उठते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन अब भी मानने को तैयार नहीं है। कुछ वक्त बाद चीन ने कहा कि दुनिया का जो भी माउंटेनियर कैलाश पर्वत पर जाना चाहता है वो जा सकता है। ऐसे में 4 पर्वतारोही सामने आए, जिसमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी थे। ये ऐसे लोग थे जिन्हें पहाड़ पर चढ़ना बच्चों का खेल सा लगता था, लेकिन जब एक सप्ताह के बाद ये वापस लौटे तो इनकी आंखें धस चुकी थी, चेहरे का हुलिया बदल चुका था और ये इतने कमजोर लग रहे थे जैसे महीनों से खाना ना मिला हो। इन्हें अस्पताल तक में भर्ती करवाना पड़ गया था और बाद में पता चला कि इन्हें इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन सी दिशा किधर है। कुछ वक्त बाद इनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। साल 2001 में चीन ने आखिरी बार स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर जाने की परमिशन दी थी,
लेकिन इसके बाद से चीन ने कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की माउंटेनियरिंग पर बैन लगा दिया और आज तक उन्होंने किसी को भी इस पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी है। वहीं दोस्तों, जिस पैंगोंग झील को लेकर चीन और भारत का विवाद चल रहा है, उसके दक्षिण से कैलाश मानसरोवर तक करीब 450 किलोमीटर ये माउंट कैलाश फैला हुआ है, जिसकी हाइट लगभग 6648 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम जरूर है, लेकिन तब भी इसके शिखर को कोई नहीं छू पाया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये असंभव है, जबकि माउंटेनियर आरसी विल्सन, जो माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग की कोशिश कर चुके हैं, उनका कहना है कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, उन्हें कमजोरी आने लगी और ऐसा लगा कि अब वो यहाँ नहीं रुक सकते, और जैसे ही उन्होंने नीचे जाने का सोचा, वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल जब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, तो वो दूर से ही कैलाश पर्वत को प्रणाम कर लौट आते हैं, क्योंकि इसके ज्यादा पास जाना या फिर इस पर चढ़ना किसी के बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास जाने पर लोगों को ओम और डमरू की आवाज आती है, जिसके जरिए उनका मानना है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात निवास करते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। खैर, आपका इस बात पर क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रभु भक्ति के साथ, क्योंकि कृपा प्रभु की और आस्था भक्तों की।